हाइड्रोजन के प्रति अभिक्रियाशीलता। देखो हम लोग वर्ग 17 के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, आप इसमें क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन मुख्य रूप से इतने तत्व लेकर के आप चल रहे हैं, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक हमारे पास शुरुआत हो रहा है उसका नाम है हाइड्रोजन के प्रति अभिक्रियाशीलता, अभिक्रियाशीलता। तो देखो कैसे वर्ग 17 के तत्व क्रिया करते हैं हाइड्रोजन से। तो वर्ग 17 की क्रिया हाइड्रोजन से कैसे कराएंगे आप, ये सब हाइड्रोजन से क्रिया करके हाइड्रोजन हाइलाइट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? देखो हाइड्रोजन हाइलाइट के मतलब क्या होता है, पहले हाइड्रोजन रहेगा तब हाइलाइट रहेगा, पहले एच रही तब एफ रही हाइड्रोजन फ्लोराइड, एच रही तो सीएल रही तो हाइड्रोजन क्लोराइड, इस तरीके से बनता है। कुछ बातें और इसमें लिखी गई है, परंतु फ्लोरीन से आयोडीन तक हाइड्रोजन के प्रति बंधुता में कमी आती है। हाइड्रोजन हैलाइड जल में सब विलय होते हैं, आपको याद होगा। देखो सबसे अधिक अगर अस्थायित्व की बात करते हैं तो सबसे अधिक अस्थायी हाइड्रोजन आयोडाइड होता है, उससे कम हाइड्रोजन ब्रोमाइड, उससे कम हाइड्रोजन क्लोराइड, उससे कम हाइड्रोजन फ्लोराइड। हैलाइड के अस्थायित्व वर्ग में नीचे की ओर जाने पर घटता है, जो इसकी अस्थायित्व है जब नीचे की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, घटता है। समझ रहे बात को? तो इस तरीके से आप इसको बता सकते हैं, और जब नीचे की तरफ आएंगे तो वियोजन एंथैल्पी का मान घटता है। सब आपका लिखा गया है, देखो ना, जब एच एफ बना है तो इसका गलनांक 190 दिखा रहा है, जब एच सी एल बना है तो इसको 159, एच बी आर बना है तो 185, और एच आई बना है तो इसका गलनांक 200, हालांकि इसका मैंने तो नहीं अधिक दिया गया है। क्वथनांक भी देख रहे हैं इसमें, आबंध की दूरी तो बढ़ता ही है नीचे आने पर। देखो यही आपका है वियोजन एंथैल्पी, दिखा नो डेल्टा वियोजन एंथैल्पी, इसका मान नीचे की तरफ आने पर घटेगा ही, दूर बढ़ेगा, और तब ये देखो जो पी के यानी जो वियोजन स्थिरांक है उसका मान भी घटता है माइनस के साथ। अब समझाते हैं क्या बातें हो रही है। देखो आप जब बात करेंगे हाइड्रोजन के प्रति क्रियाशीलता की, तो आप थोड़ा सा एक लाइन लिख लीजिएगा कि जब वर्ग 17 के तत्व हाइड्रोजन से क्रिया करते हैं, हाइड्रोजन से क्रिया करते हैं, तो हाइड्रोजन हाइलाइट बनाते हैं। आज आपको खूब अच्छा बता देते हैं, हाइड्रोजन हाइलाइट बनाते हैं। समझ रहे बात को? अच्छा अब बात हो रही है हाइड्रोजन हाइलाइट की, आखिर होता क्या है। हाइड्रोजन का मतलब हाइड्रोजन और हाइलाइट का मतलब ये जो वर्ग 17 वाले तत्व हैं ये आपके पास उपस्थित रहेंगे। तो आप यहाँ पर एच एफ लिख सकते हैं, आप यहाँ पर एच सी एल लिख सकते हैं, आप यहाँ पर एच बी आर लिख सकते हैं, आप यहाँ पर एच आई भी लिख सकते हैं, और आप शायद सबका नाम भी जानते हैं। इसका नाम अगर एच एफ है तो इसका आप हाइड्रोजन फ्लोराइड कहेंगे, हाइड्रोजन क्लोराइड कहेंगे, हाइड्रोजन ब्रोमाइड कहेंगे, हाइड्रोजन आयोडाइड कहेंगे। अच्छा बताओ इसमें सबसे मजबूत बंध कौन है, पूरा देख रहे बताइए कौन, एच यानी हाइड्रोजन फ्लोराइड। जानते हो क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन और फ्लोरीन दोनों का आकार बराबर है। देखो होता कहाँ है, इसकी जो हाइड्रोजन का आकार है इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, तो फ्लोरीन का इतना बड़ा, लगभग सेम है तो मजबूत होगा। अब इसका तो मान लो उतना ही रहेगा, लेकिन इतना बढ़ गया आकार, जब बढ़ेगा तो सामंजस्य घटेगा, इतना है तो न्योरी बढ़ गया, इतना है तो न्योरी बड़ा हो गया, तो इसीलिए सबसे मजबूत बंध यही होता है। इसीलिए जब हम लोग वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो जो हाइड्रोजन हाइलाइट का अस्थायित्व होता है वो घटता है, अस्थायित्व क्या होगा, घटेगा। तो थोड़ा सा एक एक पॉइंट बना के लिख लो कि जब वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं, ऊपर से नीचे जाते हैं तो हाइड्रोजन को आराम से लिखना हाइलाइड का अस्थायित्व क्या होता है, घटता है। यह हाइड्रोजन बंद है देख लेना, एच एफ कौन बंद है, क्यों है बताइए,
क्यों है बताना है आपको, अब बता रहे नहीं दिया कहाँ भैया, भाई हाइड्रोजन फ्लोराइड हाइड्रोजन बंद है, दोनों के बीच में हाइड्रोजन बंद बना है, हाँ क्यों है। अरे कल बताए थे हम आपको फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता चार होती है, अधिक विद्युत ऋणात्मकता जिसकी तीन से अधिक है वो हाइड्रोजन के साथ जुड़ता है तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन बंद ही बनता है आपका, आप 11 में पढ़े थे कल बताए मुझे आप, ये भी 3.5 इसका होता है, ये भी हाइड्रोजन बंद है और ये भी आपका हाइड्रोजन बंद है, तीन होता है इसका, ठीक है। तो इसका स्थायित्व क्या होगा, घटेगा। दूसरा नंबर गलन, अच्छा दूसरा नंबर बताओ इसका आकार नीचे की तरफ जाने पर, परमाणु त्रिज्या की बात करेंगे, घट दूरी इसके बीच की दूरी घटेगा कि बढ़ेगा, क्योंकि इसकी आकार ये बहुत दूर चला जाएगा ना, ठीक है ना, कि इनके बीच का दूरी बढ़ता है, ये भी आप बता सकते हैं, सी नंबर आ जाओ, इनके बीच की दूरी बढ़ता है। और मजबूत सबसे बंध का होता है, मैंने आप इसमें लिख सकते हैं कि बंध का गलनांक और क्वथनांक घटता है कि बढ़ता है, हाँ गलनांक और क्वथनांक घटता है कि बढ़ता है, देखो लिखा गया यार किताब में, आप यहाँ पर गलनांक देखिए 190 है तो 159 हो गया, फिर 185 हो गया, माने हाइड्रोजन को बढ़ता है बाकी घटता है सब आपका, तो लिख लेंगे क्योंकि इसके अंदर जितने पास रहेंगे घटता है लिख लेंगे, हालांकि हाइड्रोजन आयोडाइड का तनिक अधिक होता है। तो इस तरीके से आप हाइड्रोजन के प्रति अभिक्रियाशीलता को दर्शा सकते हैं कि कैसे हाइड्रोजन से क्रिया करके ये हाइड्रोजन हैलाइड बनाता है, और हाइड्रोजन हैलाइड बनाता है तो जब नीचे की तरफ जाते हैं तो अस्थायित्व घटता है, बीच की दूरी बढ़ती है, गलनांक और क्वथनांक भी घटेगा क्योंकि जितना पास रहेगा उसको तोड़ने के लिए उतना ही अधिक अच्छा वियोजन एन्थैल्पी की बात कहाँ है, वियोजन का मतलब जानते हो, वियोजन का मतलब होता है टूटना, माने तोड़ने के लिए इतना ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तोड़ने पर जो एन्थैल्पी प्राप्त होता है उसी को हम लोग वियोजन एन्थैल्पी कहते हैं। तो वियोजन एन्थैल्पी का मान भी घटेगा, क्या होगा घटेगा, क्योंकि सबसे मजबूत वो होता है, देखो लिखा गया है ना 574 लिखा है, फिर 432, फिर 363, फिर 295, वियोजन का मतलब होता है तोड़ना, ये बंध बहुत मजबूत है, जो बंध आप देख रहे हैं बहुत मजबूत है, तो इसकी एनर्जी सबसे अधिक लगेगी तोड़ने के लिए, उससे कम लगेगी, इससे कम ये दिया गया है, तो थोड़ा सा डी नंबर में लिख लेना कि वियोजन एन्थैल्पी, समझे ना वियोजन का मतलब होता है तोड़ना, का मान वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर घटता है, ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है घटता है, किसका मान वियोजन एन्थैल्पी का मान, जब ऊपर से आप नीचे जाएंगे तो क्या होगा ये घटेगा। इस तरीके से आप इस चीज़ को बता सकते हैं, कोई ज़्यादा दिक्कत है नहीं, एक एक पॉइंट का समझिए, वियोजन एन्थैल्पी का मतलब होता है तोड़ना, तोड़ने बंद को तोड़ने के लिए जितना एनर्जी की आवश्यकता होती है उसी को हम लोग कहते हैं वियोजन एन्थैल्पी, बस समझ आई। तो ये था हाइड्रोजन के प्रति अभिक्रियाशीलता, किसकी वर्ग 17 के तत्वों की।